गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पर आते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, तो इंस्टाग्राम पे जिस चीज़ नहीं देखा जाके एक बार सपोर्ट करना। और ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं होती, तो तू भी यहाँ नहीं होती। फाइनली हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला है, उसका शूट। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू लखनीत ब्लॉग्स। आज है महाशिवरात्रि, आप सबको उसकी बधाई। वैसे एक दिन बाद में आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे। साथ में एक डबल खुशखबरी है कि आज मम्मी और पाई की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आज मम्मी पाई को पूरे 30 साल हो गए। केक हमने कल ही मंगवा लिया था, यहाँ पर है। तो चले अब चलो चलो निटारा। चल यार चल बहन चल ले, क्यों लेट करती है तू? अंदर चल, एक तो मुँह पर तेल लगा लेती क्या? मुँह ना, एक तो होता मुँह मुँह शाइन मारना, एक होता मुँह चिकना होना, जैसे मुंह पे तेल लगा के उठ निकले। मैं पानी पीने लगी हूँ ना, 5 लीटर। तो गाइस, हाँ बोल, आप बोल। हम केक भी लेके जा रहे हैं मंदिर के बाद, सीधा हम लोग जाएंगे मॉम डैड का केक कट करने। सीधा नहीं, ऐसे ऐसे मुड़ना ही पड़ेगा एक दो बार। क्या बात है सर, ये तो गाड़ी कहाँ है हमारी? यार पूनम मैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ के कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है। हमारी दीदी भी नहीं उठती वैसे तो जल्दी। कितने बजे उठना है? हमारा शूट है 6:30 बजे, चलना है। कल मुझे कहीं जाना है, ज्यादा बने कहीं अपना 14 बनने बोल दे। नहीं तो एक बार ज्यादा ही बनती है। गाड़ी देखो, पुनीत बदमाश आ रहा है गाड़ी चला के। वाह ओ बेटे, कैसे गाड़ी ऐसे ऐसे करता हुआ ला रहा है, ऐसे करता हुआ जैसे बोट चल रही हो। बदमाश जी, चलो मंदिर चलना है पहले, चले। मैं चलाऊं? नहीं मैं चला लूंगा भाई साहब। ओम नमः शिवाय, कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। महाशिवरात्रि। हाथ जोड़ के कहते हैं, हाथ मिला के कहते हैं? मिला था। ये लो यार दोस्त, अब ले जाओ भाई, ले जाओ। यस, क्या कर रही थी तुम? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं मंदिर में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं धूप में बच्चों से बातें कर रही थी। तीनों वीडियो नए दोस्त बन गए तेरे? कह रहे हैं हमें भी आपकी वीडियोस बनाने। मैंने कहा चलो फिर। मम्मी भाई भी आ गए तो अच्छा हुआ, हम पहले यहीं आ गए। अब वो केक खा भी लेंगे फिर इसके बाद। फास्ट नहीं किसी का? अरे मतलब इसके बाद केक खा लेंगे ना भाई, मतलब वैसे नहीं खाते। क्यों खाएंगे? बस फास्ट है आज तो, हम तो केक कटवाएंगे क्योंकि हमें पता है फास्ट। कल खा लेंगे फिर ना, फ्रिज में रखवा देंगे। अरे बहुत अच्छी लग रही है भाई, हर चीज में शीशा ढूंढ लेती है तू। चल चल शादी कर लेते हैं। अरे आप पहले इवेंट होगे ना। 1 2 शीरो शीरो, कैसा है बेबी, कैसा है? मेरा प्यारा शीरो। तो हम केक काटेंगे क्योंकि मॉम डैड की शादी की सालगिरह है और 30 साल कंप्लीट हो गए। इट्स अ बिग 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 नंबर। दीदी आपका वॉलपेपर हट रहा है। हाँ? दीदी हाँ। लगा दो, चिपका दो उसको। ओहो, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। ओके चलो, आजकल बेबी प्यारा बेबी। और ये तो बहुत कम हो गया इसका वेट, बेबी का वेट कम हो गया। घर का सबसे पहला बच्चा हमारा उसका बच्चा, उसके बाद शीरो बच्चा, नहीं उसके बाद गुची बच्चा ना। क्या करता है, छींक देता है मुंह पर, प्यारा बच्चा। हेलो बोलो सबको, लखनीत फैमिली को हेलो बोलो। हेलो बेटा, वही करो मैं देखा यार, हॉल में देखा। अच्छा हां, फिर इंगे को जा रहा मैं, कि इंगे को जा मैं। इंगे को है? इंगे को है? इंगे को बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन हम ये हमारी ये पर्सनल चीज है मेरी और लखन की। जब से इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम जब भी यहाँ पर आएंगे हम अपना शूट नहीं करेंगे। हमारा ये पर्सनल डिसीजन है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। चलो भाई अब केक लेके बाहर चलते हैं, पहले मैं इसको सेट कर लूं। स्वीट्स और लंच टाइम, नीतू का चमचा उसके पास बैठा हुआ है। ये जो पार्टी बदल दी है इसने, पहले ये मेरा बहुत खास हुआ करता था, अभी नीतू का खास हो गया बहुत। ये वाली सब्जी भैया जो मैंने कल खाई है बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये कैसी लगी तुमने खाई? जो मैंने बनाया है फीका, अपने लिए फीका क्यों बनाती है? इट्स नॉट फीका, हेल्दी। मैच देखते देखते खा रहे हैं भाई। तो ये है हमारा आज का लंच, 2 yum, बहुत टेस्टी यार। सो गाइस आज मैंने बहुत अच्छा नैप लिया, और नैप लेने का रीज़न ये था कि आज बहुत जल्दी उठ गया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, महाशिवरात्रि थी और पापा मम्मी की एनिवर्सरी वो भी, उसके बाद मेरा बच्चा तो अभी तक सो रहा है,
और मैंने हमेशा की तरह दोबारा से बनाना शेक बनवा लिया है रुआबजा डलवा के। बहुत मेरा ना करंट फेवरेट हो गया है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि आज यूट्यूब ने हैप्पी वीमेंस डे पर नीतू के लिए पोस्ट डाली, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे लोगों से पूछा कि कमेंट डाउन योर फेवरेट वुमेन इन्फ्लुएंसर, तो वहाँ 80% आप लोगों ने जाके नीतू के लिए कमेंट किया। बहुत अच्छा लगा देख के यार, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो हर जगह जाके, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। दूसरा निटॉस हमारे इंस्टाग्राम पे आ गया है, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। खैर हम लोग ही तो देखो एक मेहनत वैसी है साइलेंट पार्टनर वाली, मेन तो दीदी आकाश भैया, इन लोगों ने जान लगाई हुई पिछले काफ़ी टाइम से। तो इंस्टाग्राम पे जिस चीज़ ने नहीं देखा जाके एक बार सपोर्ट करना, ड्रेसेस आने वाली हैं, मुश्किल से एक हफ्ते में सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा। आप लोग का वहाँ भी सपोर्ट मांग रहा हूँ बड़े हक से, और बहुत सारा सपोर्ट करना, और मुझे सपोर्ट करना यार, मेरा नया बिजनेस वेंचर है और कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उसके थ्रू मैं कुछ बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंज भी लाना चाहता हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अभी आप लोगों से बस सपोर्ट चाहिए बहुत अच्छा वाला। मेरे को 6 बजे आना है, 2-8 दिनों को सुबह 8:30 बजे तक आना। ओके सर, ठीक है। और कुछ देखो लेकिन 6 बजे की नीचे ये हमारे ड्राइवर भैया से बात कर रहा है और फोन पे कर रहा है, तो यहाँ खड़े होने का मतलब क्या तेरा? मैंने कॉल करी तो वो यहीं पर खड़े, इसलिए मैंने यहीं पर रुका दिया। इसके अलग लॉजिक है भाई, हमारे पुनीत के सबसे अलग लॉजिक रहता है भाई। यहाँ की बालकनी में खड़ा होना और जो सनसेट का व्यू आता है ना भैया, स्काई पिंक पिंक सा हो जाता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना। गाइस हमारे घर पर एक जानवर आ गया था और टैडी ने हमारी सबकी जान बचा ली है। देखो देखो डायनासोर को फाड़ चीड़ के। अरे वाह टैडी वाह, थैंक यू बेटा, इसीलिए लाए तेरे को हम। गाइस ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये काम चल रहा है, हमारे थंबनेल्स वगैरह बन रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपको पेज पसंद आया तो मेरी तारीफ कर देना, नहीं आया तो शी इज द वन, शी इज द वन जिसको ट्रोल करना है आपको। गाइस लुक एट दिस, हमारे भाऊ ने ये बैग मंगाया है टीम लखनीत। अच्छा पुनीत की स्पेलिंग गलत हो गई इसमें, बस देखो भाई एफर्ट के लिए 100% मार्क्स हैं, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें मंगवाई अपनी पूरी टीम के लिए, मेरे और नीतू के लिए भी आएगी लेकिन एंड में आएगी, पहले सबके लिए आएंगे। तो उसमें बैग है, टी शर्ट है, कैप है, बॉटल है, और एक सेकेंड हाँ। पुनीत कहता है डायरीज भी हैं। चल अच्छा है, पुनीत कहता है कि भाभी मेरे पास आया, तो भाभी देखना 1 साल हो गए यहाँ पर, इसको इसको मेरा नाम याद नहीं। अरे उसके नाम में डबल ही लगता है इसने भाई, लेकिन क्यों करता है कई बार पता है, कई बार क्या होता है भाई, मेरा थंबनेल डाल देता है फिर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर मैं कॉल करता हूँ रोहित यार गलत कर दिया तो ठीक कर, लेकिन सेम मिस्टेक 3-4 बार करता है, हो जाता है जब किसी के पास लोड ज्यादा होता है काम का, तो हो जाता है। नीतू इज ऑलवेज देयर टू डिफेंड। सो गाइस एक केक हम सुबह ऑलरेडी कटवा चुके हैं, एक दूसरा केक अभी कटा जाना है, कटा जाना मतलब काटना है मम्मी और पापा को, तो उधर ही जा रहा हूँ मिला पर अभी। तो यहाँ पर केक कट गया है, तो पहले ही कट गया था, ये वाले अभी कटे हैं दोनों केक। मम्मू का व्रत है तो उन्होंने टेस्ट नहीं करा, पाई ने 6-7 बार टेस्ट कर लिया भग भग के बहाने से टेस्ट कर रहे हैं केक हर बार। पापा नहीं खाया सुबह से इतना पूरा। अच्छा अब तो पाई फ्रिज में रख देंगे तो बहाने चाहिए आपको। इसे सुबह नीतू लेके आई थी, अभी भी खा जाओगे तो मीठे का बहाना चाहिए, मीठे का रोके ना रुको। चलो सबकी तरफ से बहुत सारी विशेष पाई हमारी पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको, और भगवान करे सेंचुरी वाला, सुनो सेंचुरी वाला केक कटे, अभी तो 30 पे पहुंचे हो आप, सेंचुरी वाला केक कटेगा अभी तो, ऐसे हाथ कांप रहे होंगे आप कैसे करके। मैं बताऊंगा उसे ना हमारे में कांप रहे होंगे, सुन जाओ बताओ क्या सेंचुरी वाला ना पहुंच रहा भैया। इसमें क्या सेंचुरी में खा जाओगे क्या? खुद खाएंगे ना, खुद ही खाओगे पहले। हम भी ऐसे हम भी ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। दिखाओ केक दिखाओ, ये रहा तेरा वाला भी रखा जो तू कटवा गई सुबह, वो रहा ये रहा। गाइस हम दोनों को पता नहीं था, दीदी अपने उसमें टॉस में बिजी थी और मैं किस में बिजी थी, दीदी गेम में। फोन लखन पता नहीं कब चलेगा, फोन आया पाई का तो हम लोग भी अब भाग रहे। मैं पता नहीं वहां पर केक कटोरे, मॉर्निंग में तो मैंने कटवा दिया था केक, लेकिन मुझे लगा पाई बाहर चले जाएंगे कुछ ना कुछ होगा, तो अब हम भाग रहे दीदी और मैं कि भाई जल्दी से हम उनका सेलिब्रेशन वहां पर उनका केक कट करवाएं। मैं होंडा सिटी चला रही हूँ। आजा भाई गिर गई थी, हम आ गए हैं पाई, आपने बुलाया हम आ गए। चलो केक खिलवाता हूँ। पाई ने बुलाया हम आ गए, कहाँ है केक हमारा? ये रहे। वाह और वो कहाँ गई पुडी? पहले मैं खिलाऊंगी ना, पहले वाला कौन सा खिलाऊं तुझे? मुझे आप कोई भी। बैठ खड़ी हो जा, ये तो खड़ी और बैठी इतनी है ही। आए थैंक यू।
खा तो ले भाई, कितनी बार खिलाओगे? अरे मैं हाँ तो मैं अभी खाना खाऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। क्या प्यास लग गई तेरी? मैंने कब खिलाया तुझे? देख मैं सुन, आज का क्या दिन है आज? अगर एनिवर्सरी नहीं होती और आज का दिन नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होती, और ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होती, तो तू भी यहाँ नहीं होती। अब भाई खिला दो। इसलिए केक खा खूब सारा। आज तो खा भी नहीं यार, तो मैंने भी ना खा भी। कल की तैयारी हो रही है, फाइनली हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला है, इसका शूट है, ऑब्वियसली कल शूट हो रहा है, उसके बाद लॉन्चिंग में थोड़ा सा टाइम है, नेक्स्ट वीक तक हम लॉन्च कर देंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया, अभी मैं गेम खेल कर आई हूँ, खैर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो आप कमेंट्स में बता देना, क्योंकि हमें पता है हमसे ज़्यादा आप एक्साइटेड हो, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, तो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, और इतना ही प्यार हमारे कपड़ों को भी देना, क्योंकि हमने एक एक पीस बिल्कुल हट के डिज़ाइन कराया है। ब्राउनी हेलो बोलो, बोलो हाँ मम्मा आप सही कह रहे हो, बोलो सबको, बोलो हाँ मम्मा आप सही कह रहे हो। मेरा ब्राउनी बोलने लग गया अब, है ना ब्राउनी? पूनम दीदी की हरकत देखो, यहीं पर ज्वेलरी छोड़ के चली गई है, कोई मतलब नहीं, और ड्रेस देखो, अपनी ड्रेस भी नहीं लेकर गई। दीदी आप कल कितने बजे निकल जाओगे? सुबह 6:30। मुझे मिस करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लेट आओगे। मैं तो आपके साथ ही साथ रहूंगी यार, आपके बिना मेरा तो मन ही नहीं, मेरे साथ जा रहे हैं कल 6:30। ब्राउनी ब्राउनी मम्मा के बिना नहीं रह पाएगा, अभी तो आ नहीं रहा, सुबह तो जरूर आएगा। बाय ब्राउनी, आप जाओगे मौसी बुआ के साथ? खेल लिया गेम? हाँ जी खेल लिया। कैसा लगा गेम? मैंने मस्त सेट किया था ना? आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग है, हटके है। इस घर में सिर्फ मैं और पुनीति हैं जो गेम को यूज करते हैं, और पूनम दीदी भी, हम तीनों गेम खेले, क्योंकि पूनम दीदी का भी चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसका चैनल है ना? अभी नहीं हुआ है सॉरी, लेकिन पूनम दीदी का भी गेमिंग चैनल आने वाला है, वो हम आपको बता देंगे, आप उसको भी सब्सक्राइब करना, उसकी भी वीडियोस देखना। बाकी तुझे भी सुबह हमारे साथ चलना है, पता है ना? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं और सैंडी में घर रहेंगे। सैंडी को ही रहने दे, यहाँ पर काम घर का देख लेगा, तू चल रहा है। अरे भैया मैं 8 घंटे हूँ, क्या करूंगा शूट में 8 घंटे वहाँ पर? मैं तुझे तेरा काम तो मैं बताऊंगी तुझे। अरे लाइट तो जला ले भाई, अंधेरा हो रहा है। निम्मी इधर आ। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल, तुम बहुत ज्यादा चमक रहे हो। चमक तो मैं रहा हूँ, ग्लो आ रहा है। अपना हाथ दिखाना, ब्लॉग चेक कर रहा हूँ। इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा है? कहाँ लग रहा है सूजा हुआ? नहीं सूजा हुआ लग रहा है, सीरियसली कैसे? अब तुम ब्लॉग चेक कर रहे हो? गुड भाई, लखन का काम व्लॉग चेक करने का है, मेरा काम थोड़ा बहुत व्लॉग बनाने का है, क्योंकि मैं व्लॉग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे डेली डांट मिलती है। यार मैं अपने और भी काम देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे को व्लॉग सच बताऊँ तो मैं भूल जाती हूँ हर एक चीज़ की क्लिप्स लेना, कि ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन बाकी मैं चलती हूँ अपने कपड़े चेंज करने, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बट 9:30 हो गया, मेरा सोने का टाइम भी निकल चुका है, अब मैं सोती हूँ, बस मेकअप उतारूंगी और मिलेंगे आपसे कल एक नई व्लॉग के साथ। बाय बाय, ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट से बता देना, और हमारा कल ब्रांड का शूट है, बहुत एक्साइटेड है। बाय 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 कर दे सबको। बाय 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 बाय, कैसा लगा सब तो पूछ ले। व्लॉग कैसा तेरा मोटापा? पूरी तरह वेट 2-3 किलो तो बढ़ गया। एक बड़ा है और एक भी वो ये पेट बड़ा। अभी अभी अंदर क्यों करा तूने? देख नॉर्मल चढ़, नॉर्मल चढ़। अब देख कपड़े टाइट कर, पीछे सबको दिखा दे आज। अरे क्या नहीं यार, ऐसे नहीं। ये कटना नहीं चाहिए। 1 किलो बड़ा है, वो भी इधर बड़ा बस। यार इधर ही तो बढ़ता है यार, इधर से मेरे तो आर्म्स में लेग्स में कहीं नहीं लगता, सिर्फ यही लगता है। ऐसा क्यों होता है गुची? ऐसा क्यों होता है बेबी? आपके कहाँ लगता है? तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। गुची के गालों में लगता है, गालों में नहीं पता है, वो हम पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं ना, उसकी वजह से भी होता है। भाई मैं तो नहीं बैठी रहती हूँ ऐसे। अब हम चले, आपको ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट से बताना, और मिलते हैं कल। बाय बाय, लव यू ऑल।